हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पुदीना को कैसे ग्रो करें उसके सिंगल स्टीम से। तो ये मैंने बाजार से पुदीना खरीद के लाया था, तो उसी से मैंने एक घंटी रख दिया है, उसे देख सकते हैं आप। इस तरीके से नीचे वाला ब्रांच उसका तोड़ दीजिए कुछ, अच्छा 1.5 से 2 इंच तोड़ देने के बाद इस तरीके का हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऊपर में ब्रांच रहने दीजिए ताकि जो नीचे वाला है इसमें से ही रूट डेवलप होगा। तो उसके बाद एक आपको एक प्लास्टिक बोतल लेना है इस तरीके का, और उसे एक नाइफ और नाइफ की मदद से काट देना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। देख सकते हैं बहुत ईजिली कट जाएगा, बहुत ईजिली, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से काट देने के बाद उसमें आप नॉर्मल वाटर फिल कर दीजिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस तरीके का नॉर्मल वाटर है, कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, सिर्फ नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर फिल कर देने के बाद इसको इसमें सिंपली डिप कर देना है। डिप करने के बाद इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, पार्सली शेड में, मतलब कि छांव वाली जगहों में रखना है कुछ दिन तक, एक अप्रॉक्स वन वीक में इसमें रूट डेवलप हो जाएगा। आगे की डेट मैं दिखाता हूँ इसी वीडियो में। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये 1 वीक के बाद का रिजल्ट है। ये मैंने 1 वीक पहले डाल दिया था आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए 1 वीक में इतना रूट इसमें डेवलप हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग 1 वीक में। अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, और इसका पानी हर से 1 से 2 रोज में बदलते रहें ताकि इसमें काई नहीं लगे, फंगस का अटैक नहीं हो पाए। और इसे मैं अब ट्रांसप्लांट करूंगा एक बड़े से पॉट में। ये देख सकते हैं, ये मैंने लगाया था अप्रॉक्स 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन का ये रिजल्ट है लगा देने के बाद, 25 से 30 दिन के बाद। ये देख सकते हैं सिंगल स्टीम था, ये मैंने लगाया था, इससे ही पूरा नया निकल गया। अभी और ब्रांच इसमें निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं और ब्रांच इसके अंदर निकल रहा है। देखिए ये नया निकला, यहाँ निकल रहा है और यहाँ पर छोटा छोटा पूरा भर रहा है, तेजी में भर जाएगा। तो इसी ही में ही मैं इसको भी लगा दूंगा अभी। तो इस तरीके से मैं सेंटर में एक होल कर दूंगा, आप चाहे तो अलग में लगा सकते हैं। एक स्टीम आप लगाइएगा तो उससे बहुत सारा स्टीम निकल जाएगा और वो पूरा फैल जाएगा उस पेड़ में। तो मैं इसी नाइफ की मदद से हल्का सा इसमें डिग करके लगा दूंगा। हल्का सा साइड साइड से प्रेस करना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा इसमें वाटरिंग कर देना है। देख सकते हैं 25 दिन के बाद का रिजल्ट है आपका। 25 दिन में, 25 से 30 दिन में वो पेड़ पूरा घना बन जाएगा एक ही स्टीम से, और उसे आप पूरा लगातार हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे आप चटनी बना सकते हैं, कुछ करिए आप, बराबर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, देख सकते हैं कि पुदीना के सिंगल स्टीम से पूरा फुल प्लांट कैसे डेवलप करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यही था इस वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज गार्डनिंग इन कंटेनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।